Good morning, friends. Welcome to Nifty analysis from tradingfab.in. Today 20th July, Friday है, हफ्ते का last trading session है. आज Nifty में क्या होगा, क्या intraday strategy होगी? सबसे पहले global market के हालात पर नजर, फिर एक FII and DII versus Nifty का chart हम लोग देखेंगे, फिर intraday strategy बनाएंगे. ये है global market के हालात इस समय. Dow Jones, Nasdaq कल कमजोरी के साथ बंद हुए. और यूरोपियन मार्केट में भी कमजोरी दिखाई दी, लगभग लाल निशान में बंद हुए कुछ बाजार. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट में प्रेशर दिखाई दे रहा है, 160 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. चाइना मार्केट भी कुछ अच्छा खासा कारोबार नहीं कर रहा है, हल्की सी बढ़त है, 4 पॉइंट के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है. हैंगसेंग हांगकॉन्ग मार्केट में भी 107 पॉइंट की गिरावट है. डाओ फ्यूचर 92 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ. और एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल 2 पॉइंट के कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल थोड़े से ग्लोबल मार्केट में भी कमजोरी के संकेत है. तो निफ्टी पे क्या असर होगा, उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये कल का मार्केट आवर्स बंद होने ख़त्म होने के बाद लिया हुआ पिक्चर है. कल जैसे कि आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अगर निफ्टी 10,961 जो कि 50 EMA के आसपास है उसको अगर ब्रेक करता है निफ्टी, उसके नीचे सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 10,932 का होगा. सो कल जैसे ही 4 घंटे पहला निफ्टी सपोर्ट टेस्ट कर रहा था 50 EMA का, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं वो 50 EMA है, और जैसे ही निफ्टी ने ये 50 EMA ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट हमारा 10,932 का टारगेट अचीव हुआ था. 10,935 कल निफ्टी ने लो बनाया था, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ था. और कल के इंट्राडे स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर ट्रेड करते थे तो 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, तो 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड होता था तो 18,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. और एक चार्ट है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है FII एंड DII की एक्शन है वर्सेस निफ्टी का चार्ट है. जो ये आप ब्लू लाइन देख रहे हैं वो निफ्टी का मूवमेंट हमें प्रेजेंट कर रहा है, और जो ये येलो बार्स है वो हमें DII डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का एक्शन हमें प्रेजेंट कर रहा है, और जो ये रेड बार है वो हमें FII का एक्शन प्रेजेंट कर रहा है. तो आप देख सकते हैं ये ईयरली चार्ट है. 2008 से लेकर 2014 तक अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेड बार है उसकी साइज़ कंपेयर टू ये येलो बार की साइज़ है उससे ज़्यादा है. तो यानी 2014 तक FII का एक्शन इंडियन मार्केट में, इंडियन इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा था, और जैसे ही 2014 आता है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि DII का एक्शन जो है वो बढ़ रहा है. ये येलो बार का जो साइज़ है वो FII के प्राइस एक्शन के बार के साइज़ के हिसाब से बढ़ा हुआ है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, और FII का मूवमेंट यहाँ पर कुछ कम होता हुआ नज़र आ रहा है. तो ये DII का ये जो एक्शन क्यों बढ़ा है, तो ये बढ़ा इसलिए है कि म्यूचुअल फंड की लास्ट 2-3 ईयर से बहुत ही ज़्यादा लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, और SIP के थ्रू मार्केट में हर रोज़ पैसा आ रहा है. तो इसके लिए हमें मार्केट में इंडेक्स भी काफ़ी वोलेटाइल मूव करते हुए दिखाई दे रहा है. कभी SIP के थ्रू किसी दिन ज़्यादा पैसा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, लेकिन जो SIP के थ्रू पैसा आ रहा है उससे मार्केट स्टेबल हो रहा है और ज़्यादा गिरने से बच रहा है. तो ये FII एंड DII का प्राइस एक्शन भी देखना बहुत ही ज़रूरी है. तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, आज स्ट्रैटेजी बनाते हैं. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. आज हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमने लास्ट में भी यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ किया था, उसका 100% का जो लेवल आ रहा था वहाँ पर ही निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके ऊपर जा नहीं पाया इस हफ्ते. सो 100% का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. और अगर आप ध्यान से देखें लास्ट वीक का जो ये हाई बनाया था निफ्टी ने, वो ब्रेक नहीं कर पाया, ना ही ये लो ब्रेक कर पाया. सो इस वीक में इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ, ना ही हाई अभी तक क्लोज हुआ है, क्रॉस हुआ है, और ना ही लो क्रॉस हुआ है. तो इनसाइड बार यहाँ पर ट्रेडिंग हो रहा है.
वीकली चार्ट में जैसे कि हम लास्ट कई वीडियो से बताते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर बुलिश है, निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बुलिश है, और यहाँ पर कभी भी अगर एक ज़बरदस्त गिरावट आती है तो बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये है वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में अगर आपने हमारा लास्ट एक सेकेंड मंडे या ट्यूसडे का वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो सकता है ऐसी प्रोबेबिलिटी जताई थी। तो ये यहाँ पर डबल टॉप की हमने प्रोबेबिलिटी आपको ड्रॉ करके बताई थी। अगर आप हमारे लास्ट एक दो वीडियो अगर देखे तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में वो वीडियो की लिंक दे दूंगा, आपको चाहिए तो वो वीडियो रिफ़र कर सकते हैं आप। तो इसमें अभी फ़िलहाल नेक लाइन की, जहाँ पर नेक लाइन है उस लेवल पे निफ्टी आ चुका है, लेकिन आज देखना होगा ये निफ्टी नेक लाइन जो है, ये जो बॉटम की जो मैंने लाइन बनाई है एम फॉर्मेशन, यहाँ पर डबल टॉप, यहाँ पर दो बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ मूव हुआ। तो ये नेक लाइन के पास अभी निफ्टी आ चुका है, देखना ये होगा कि ये निफ्टी अभी नेक लाइन को ब्रेक करता है या नहीं करता है, या यहाँ से ही फिर से एक सडन बाउंस बैक दिखाता है। अगर ये यहाँ से नेक लाइन ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमें ये 20 EMA का फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि 10,870 के पास है। तो अगर ये नेक लाइन अगर ब्रेक होता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, ये लेवल के नीचे 10,930 के नीचे सस्टेन करता है, तो शॉर्ट पोजीशन बनती है और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो कि 20 EMA का सपोर्ट है 10,870, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। RSI भी देखे तो लोअर टॉप बना रहा है, ये जो टॉप बनाया था उससे ये टॉप नीचे है, और प्राइस एक्शन ने भी हायर टॉप बनाया नहीं है, जहाँ पर लास्ट टॉप बनाया था वहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ मूव हुआ है। तो ये है डेली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं अपने 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यह 60 मिनट का चार्ट अभी फ़िलहाल देखा जाए तो आर्ली चार्ट के हिसाब से निफ्टी इंडेक्स अभी मूविंग एवरेजेस, जो कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेंड हमें बताते हैं, उसके बीच में फंसा हुआ है। तो कंपल्सिव ट्रेडर्स ही यहाँ ट्रेड करने के लिए जाएं, जो फ्रेशर्स है, जो नए हैं मार्केट के लिए, वो सिर्फ वॉच करें, क्योंकि इस जब इंडेक्स इस मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते वक्त पहले तो 20 EMA का रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ता है, और नीचे की तरफ 100 EMA का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो हमें वेट करना चाहिए। निफ्टी अगर 20 EMA के ऊपर सस्टेन करने लगता है, अगर आर्ली चार्ट में निफ्टी 20 EMA के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करना चाहिए, और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 11,037, ठीक है। और अगर निफ्टी 100 EMA को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, अगर साउथ की तरफ मूव करता है और इस ग्रे लाइन को जो कि 100 EMA है उसको ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेन करने लगता है, तो शॉर्ट कीजिए और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 10,895। काफ़ी करीब टारगेट है, लेकिन आप अगर नीचे की तरफ मूव होगा निफ्टी तो देखिए 10,926 का पिवट पॉइंट का सपोर्ट, 1 का सपोर्ट लेवल है, फिर 100 EMA है उसके तुरंत बाद 10,895 का भी सपोर्ट लेवल है। तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं, कंपल्सिव ट्रेडर से वही ट्रेड करें। अगर 100 EMA के नीचे सस्टेन होता है तो ही शॉर्ट करें, और फर्स्ट टारगेट 10,895 का होगा, ठीक है। तो ये हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि जैसे यूट्यूब पर हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल पर उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।